इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एमपी के गुना में दलित परिवार पर हुई बर्बरता की कड़ी निंदा की है। मायावती ने दलितों के साथ बेरहमी करने पर एमपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश के गुना पुलिस व प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार को कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को जेसीबी मशीन से बर्बाद करके उस दंपति को आत्महत्या करने का प्रयास करने को मजबूर कर देना अति क्रूर व अति शर्मनाक है। इस घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है। सरकार सख्त कार्रवाई करे। एक तरफ बीजेपी व इनकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से आम हैं जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ करती थी। तो फिर दोनों सरकारों में क्या अंतर है? खासकर दलितों को इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। आपको बता दें कि गुना में एक दलित परिवार से जमीन खाली करवाने गई एमपी पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। पति पत्नी को बच्चों के सामने ही बेरहमी से पीटा गया। इससे आहत होकर दोनों ने जहर पी लिया था। फिलहाल दोनों अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के राज में हुई दलितों पर बर्बरता के खिलाफ देश भर के बहुजनों में जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम।